आज हम बनाएंगे मटन कोरमा रेसिपी। मिनटों में बिल्कुल गला हुआ टेस्टी चटपटा जूसी मसालेदार मटन कोरमा बनाएंगे। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और घर में सभी को पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने लिया है मटन, इसको साफ धो लिया है। 4 से 5 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज काटा था, धो के काट लिया इसको भी। 8 से 10 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन, इन सब मसालों को मैं मिक्सी जार में ग्राइंड कर लूँगी पानी डाल के। ग्राइंड हो गया है, गैस पे कुकर चढ़ाऊँगी। कुकर मेरा गर्म हो गया है, हो जाए उसके बाद मैं तेल डालूँगी 3 बड़ा चम्मच। तेल मेरा गर्म हो जाए प्याज डालूँगी जो मैंने काटा है। प्याज डालने के बाद मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। अब मैं प्याज को निकाल लूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगी, फिर पीस लूंगी। इसको एक साइड में रख देती हूँ। जो कुकर मेरा तेल बचा है उसी तेल में मैं तेल और डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच। 6 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 लकड़ी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च, 4 तेज़पत्ता, 3 से 4 तेज़पत्ता लूँगी। इन सब मसालों को मैं तेल में डाल दूँगी। मसाला मेरा थोड़ा चटकने लगे उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मटन। मटन मेरा तेल में भुन जाए, मतलब इतना भुने कि इसका जो पानी है मटन का निकलता है वो सूख जाए, तेल रह जाए। मटन मेरा भुन रहा है, मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मैंने लिया है 1 कटोरी दही, 2 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे दही में, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब मसालों को दही में मिक्स कर लूंगी। इससे दही मेरी फटेगी नहीं और टेस्ट भी अच्छा आता है, ग्रेवी अच्छी बनती है। मसाले मेरे दही में अच्छे से फिट गए हैं। मैं मटन चेक करती हूँ। मटन मेरा भुन गया है, पानी इसका सूख गया है, तेल रह गया है। जो मैंने पेस्ट बनाया था हरी मिर्च अदरक लहसुन का, वो डाल दूँगी मटन में। भून लूँगी मटन के साथ मसाले को। 1 टीस्पून मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला मैं भूल गई थी, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ दही, जो दही का जो मैंने पेस्ट बनाया था। मेरा मसाला रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब मैं इसको मटन में डालूँगी। मटन के साथ मसाले को भून लूँगी, इतना भूनूंगी कि इसका जो मेरा मटन भी अच्छे से भून जाए मसाले के साथ और मेरे मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। तब तक मैं भूनूंगी। नमक डालूंगी जितना आपको पसंद है टेस्ट अकॉर्डिंग। इसको चलाते हुए मैं भून लूँगी, मेरा जैसे कि मेरा जो मटन अच्छे से भून जाए और जले भी ना। मेरी प्याज ठंडी हो गई है, मैं इसको पीस लूँगी, मिक्सी जार में ग्राइंड कर लूँगी पानी डाल के। मैं ग्राइंड कर लिया है। मटन भी मेरा अच्छे से भुन गया है, मसाले के साथ मसाला भी मेरा भुन गया है।
इसको चलाते रहना है जिससे मेरा मटन लगे ना, जले ना मसाला। चलाते हुए भून लूंगी और थोड़ा। जो मैंने फ्राई किया, फ्राई प्याज को मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको डाल रही हूँ। पेस्ट डाल के मैं इसको और भूनूंगी थोड़ा, 1 मिनट। भून गया है। मटर मेरा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। इतना पानी डालना है कि मेरा मटन भी अच्छे से गल जाए और थोड़ा ग्रेवी रह जाए, बस इतना काफ़ी है। मैं इसको चला लूँगी। सीटी लगा के 2 सीटी आने के बाद मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, मटन कोरमा तैयार हो गया है। गला हुआ टेस्टी जूसी चटपटा, आप इसे इस टाइम से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है।